हेलो एवरीवन, अल ज़ायका फूड्स किचन की जान महफिल की शान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। पिज़्ज़े को मैं कुछ इस तरह बनाऊंगी कि इसको बनाना बहुत इजी हो जाए और ये हर कोई बनाकर खा सके। ये बहुत टेस्टी और स्पाइसी बनकर तैयार होता है। तो आइए हम सब का फेवरेट स्पाइसी पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। अगर हम जल्दी में हैं और हमें फ़ौरन ही पिज़्ज़ा खाना है तो हम ये इंस्टेंट रेडीमेड बेस ले सकते हैं। इससे बहुत आसानी से पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। इस पर लगाने के लिए ये मैंने बटर लिया है और ये मैंने चीज़ लिए, कुछ और चीज़ें भी ली हैं जो मैं डालते वक्त आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं, शिमला मिर्च, टमाटर और ये प्याज, ये मैंने छोटे छोटे डाइस में काट रखा है। आपको कुछ और भी सब्ज़ियाँ पसंद हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। पहले हम सब्ज़ियों को थोड़ा सा सोते करेंगे। इसके लिए मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और 1 टीस्पून के करीब बटर डाला है। जब हमारा बटर थोड़ा सा मेल्ट होने लगे उसमें हम ये प्याज डालेंगे। ये मैंने आधी प्याज ली है, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। प्याज को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। इसी में अब अपने ये टमाटर डालेंगे। ये भी मैंने 1 टमाटर लिया है और ये आधी शिमला मिर्च को भी मैंने डाइस में काट रखा है। इन सबको हम सोते करेंगे। इसका हम इतना है ना पकाएंगे कि ये इसका क्रंच भी बाकी रहे। बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म करना है। 4-5 मिनट पकाने के बाद हमारी सब्ज़ियाँ पक गई हैं और इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और फिर बाद में हम इसे यूज़ करेंगे। अब पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हमने ये शेज़वान सॉस लिए है, इसके अंदर हम 2 टीस्पून मेयोनीज़ डालेंगे। शेज़वान सॉस से हमारा पिज़्ज़ा स्पाइसी और चटपटा बनेगा और थोड़ा खट्टापन लाने के लिए हम 1 टीस्पून इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे। इन तीनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 1 टीस्पून इसमें टमाटर सॉस डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाएगा। अब ये पिज़्ज़ा सॉस की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको हम 2 पिज़्ज़े पे लगाएंगे। पिज़्ज़ा बेस लेंगे और जिस स्टैंड पर हमें ओवन में रखना है उसी स्टैंड पर पिज़्ज़ा लगा लेंगे और इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब बटर लगाएंगे। फिर ये पिज़्ज़ा चटनी लगाएंगे जो हमने तैयार किए। ये चारों तरफ हम अच्छे से फैला लेंगे। हल्की फुल्की भूख लगे और हमें कुछ चटपटा खाने का मन हो तो हम झटपट इस तरह से हम बनाकर खा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस फैलाने के बाद अब ये सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे जो हमने कुक करके रखी थी। इसको चारों तरफ फैला लेंगे। आप अपनी मनपसंद की और भी इसमें सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होता है और बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिए। आप किसी भी ब्रांड की चीज़ ले सकती हैं, जितनी आपको पसंद हो उतनी चीज़ डालें। चीज़ डालने के बाद ऊपर से हम थोड़ा सा 1 चुटकी चाट मसाला डालेंगे। 1 चुटकी हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक को हम बहुत कम डालेंगे क्योंकि हमारी सॉस के अंदर भी नमक है। आप ये सारे मसाले जब आप सब्जियों को सोता करें तो उस टाइम भी आप डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर ये ड्राई ओरिगैनो लीव्स डालेंगे।
जितनी आपको पसंद है आप इतनी डालें। अब ये पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको हम ओवन में रखेंगे। ये माइक्रोवेव सैमसंग का मॉडल है, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। इसमें आपको कैफेटेरिया दिख रहा होगा, इसमें नंबर 4 पर पिज़्ज़े का ऑप्शन है। तो हम कैफेटेरिया का बटन प्रेस करेंगे, 4 नंबर पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें ऑटोमेटिक अपना टेम्परेचर और टाइम सेट हो जाता है, इससे बहुत आसानी से हमारा पिज़्ज़ा बन जाता है। देखिए पिज़्ज़ा हमने रख दिया है और ये कुक होना स्टार्ट हो गया है। ये 14 मिनट का टाइम लगा है। 14 मिनट के टाइम के बाद हमारा ये पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हमने निकाल लिया है, देखिए कितना अच्छे से कुक हो गया है। इसकी हम कटिंग भी करके आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। आप इसे मेयोनीज़ और टमाटर सॉस के साथ सर्व करें। ये बाज़ार जैसा नहीं बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसको हम बहुत आसानी से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बनाकर खा सकते हैं। और ये 15 मिनट में हमारा कुक हो गया है। चटपटा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़ुबान पर स्वाद रखना, दुआओं में याद रखना। अपनी आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।